हेलो गाइस, मैं हूं सुजीत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एम ए पी विद सुजीत चौधरी में। तो दोस्तों, लेकर आया हूं बीएसएफ पैरामेडिकल का पार्ट 1, जिसमें हमने सेलेक्ट किए हैं टॉप 10 बेस्ट एमसीक्यूज। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ढेर सारी इंफॉर्मेशनल और एमसीक्यूज की वीडियोज आपको मिलते रहें टाइम से। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है, हाउ मच अमाउंट ऑफ CPDA इज नीडेड फॉर 301 ml ऑफ ब्लड। ऑप्शन नंबर ए 29 ml, ऑप्शन नंबर बी 39 ml, ऑप्शन नंबर सी 49 ml एंड ऑप्शन नंबर डी 59 ml। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक यूनिट में जो है कितना ml ब्लड होता है। तो जिसमें होता है 350 ml, कितना एक यूनिट में। तो इसमें से अगर हम 301 माइनस करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 49 ml। तो दोस्तों, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 49 ml। CPDA मिक्स किया जाता है 301 ml ब्लड में। तो दोस्तों, ये CPDA क्या है, आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। CPDA सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन एन एंटी कोगुलेंट सोल्यूशन कंटेनिंग सिट्रिक एसिड सोडियम साइट्रेट मोनोबेसिक सोडियम फॉस्फेट डेक्सट्रोज एंड एडिनिन यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ होल ब्लड एंड रेड ब्लड सेल्स फॉर अप टू 35 डेज। तो दोस्तों, जो CPDA हमारा, ये क्या है, एक तो एंटी कोगुलेंट है, दूसरा क्या है, प्रिजर्वेटिव है, जो कि हमारे ब्लड को 35 डेज तक ये प्रिजर्व रखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेटलेट आर स्टोर्ड इन, ऑप्शन नंबर ए 22 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 35 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी -2 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ऑप्शन नंबर डी -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, जो प्लेटलेट्स होता है उसका हम स्टोर कितने टेम्परेचर पे करते हैं, तो उसका स्टोर हम करते हैं 22 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.524 लाख पर mm क्यूबिक। तो दोस्तों, पूरे ब्लड में सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है प्लेटलेट, जो कि कैसे बनता है, मेगा कैरियोसाइट के टूटने से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक्रोसाइटोसिस इज सीन इन, ऑप्शन नंबर ए एसबी बार्ड्स, ऑप्शन नंबर बी थैलेसीमिया, ऑप्शन नंबर सी एसबी लेपोर या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑप्शन। तो दोस्तों, माइक्रोसाइटोसिस जो देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है थैलेसीमिया में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर इन विच द बॉडी मेक्स एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन। तो दोस्तों, थैलेसीमिया क्या है, आनुवंशिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है बनता है, और ये क्या करता है, ये हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है उसको तोड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड की कमी होने लगती है और पेशेंट जो है वो एनेमिक हो जाता है, यानी कि एनीमिया से पीड़ित हो जाता है। द डिसऑर्डर रिजल्ट्स इन एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच लीड्स टू एनीमिया। एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच योर बॉडी डजंट हैव इनफ नॉर्मल हेल्दी रेड ब्लड सेल। थैलेसीमिया माइनर इज अ लेस सीरियस फॉर्म ऑफ द डिसऑर्डर। देयर आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ थैलेसीमिया दैट आर मोर सीरियस। इन अल्फा थैलेसीमिया एट लीस्ट वन ऑफ द अल्फा ग्लोबिन जीन्स has a mutation or abnormality. In beta thalassemia, the beta globin genes are affected. तो दोस्तों, इसमें तीन तरह का थैलेसीमिया बताया, कौन सा,
पहला तो थैलेसीमिया माइनर, दूसरा अल्फा थैलेसीमिया एंड तीसरा बीटा थैलेसीमिया। तो दोस्तों जो माइनर थैलेसीमिया है वो कम खतरनाक होता है, लेस सीरियस, और जो आपका अल्फा और बीटा थैलेसीमिया होता है ये काफी सीरियस होता है, काफी खतरनाक थैलेसीमिया होता है। नीडल यूज्ड फॉर ब्लड कलेक्शन फॉर ट्रांसफ्यूजन पर्पस इज ऑप्शन नंबर ए 16 गॉज, ऑप्शन नंबर बी 18 गॉज, ऑप्शन नंबर सी 20 गॉज, ऑप्शन नंबर डी 22 गॉज। तो दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो नीडल यूज किया जाता है वो कितने गॉज का होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 18 गॉज का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ टर्निक्विट? ऑप्शन नंबर ए 25 to 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 30 to 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 35 to 45 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 40 to 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो हमारा टर्निक्विट होता है उसकी स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? वो होती है 30 to 40 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस ऑर्गन शुड नेवर बी यूज फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इन चिल्ड्रेन। तो दोस्तों कौन सा ऑर्गन बच्चों में बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्टर्नम, ऑप्शन नंबर बी एंटीरियर इलियक स्पाइन, ऑप्शन नंबर सी इलियक क्रेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी पोस्टीरियर इलियक स्पाइन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए है स्टर्नम। स्टर्नम का यूज नहीं किया जाता है बच्चों के बोन मैरो एस्पिरेशन में। तो दोस्तों कौन सा फिर ऑर्गन यूज किया जाता है बच्चों में? तो मोस्टली जो यूज किया जाता है वो होता है टीबिया। तो टीबिया जो होता है दोस्तों उसका बोन मैरो, उसमें जो है बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं बच्चों का। और जो कॉमन होता है, कॉमन साइट होता है, कॉमन साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन वो कौन सा होता है दोस्तों? तो वो होता है पोस्टीरियर इलियक स्पाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एंटीबायोटिक इज मिक्स्ड फॉर वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम? तो दोस्तों वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में कौन सा एंटीबायोटिक मिक्स किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जेंटामाइसिन, ऑप्शन नंबर बी एम्फोटेरिन बी, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी एजिथ्रोमाइसिन। तो दोस्तों जो एंटीबायोटिक मिक्स किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी कि जेंटामाइसिन एंड एम्फोटेरिन बी, ये दोनों ही मिक्स किया जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ वैक्सीन इज यूज्ड फॉर रेबीज वायरस? तो दोस्तों किस प्रकार का वैक्सीन रेबीज वायरस के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए किल्ड वायरस वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी लिव एटीन्यूएटेड वायरस वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस वैक्सीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑप्शन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए किल्ड वायरस वैक्सीन यूज किया जाता है रेबीज वायरस के लिए। रेबीज वायरस साइंटिफिक नेम रेबीज लिसा वायरस इज अ न्यूरोट्रॉपिक वायरस दैट कॉज रेबीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। रेबीज ट्रांसमिशन कैन ऑकर थ्रू द सलाइवा ऑफ एनिमल्स एंड लेस कॉमनली थ्रू कॉन्टेक्ट विद ह्यूमन सलाइवा। रेबीज लिसा वायरस लाइक मैनी रैबडो वायरसेस हैज एन एक्सट्रीमली वाइड होस्ट रेंज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीवायरल ड्रग इज इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए वायरस? तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा ए वायरस के अगेंस्ट में कौन सा एंटीवायरल ड्रग जो है इफेक्टिव होता है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एमनेंटाटाइडिन, ऑप्शन नंबर बी एसिडोथायमिडिन, ऑप्शन नंबर सी एनवायरोक्सिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिडियोक्सी सिस्टोसिन।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए है एमनेंटाटाइडिन इन्फ्लुएंजा ए। टाइप ए इन्फ्लुएंजा इज अ कॉमन इन्फेक्शन दैट कैन कॉज वाइड स्प्रेड फ्लू आउटब्रेक। इट कैन कॉज फीवर बॉडी एच चिल्स फटीग एंड अदर सिम्टम्स। इन्फ्लुएंजा वायरसेस दैट इफेक्ट ह्यूमंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स ए बी एंड सी। टाइप ए इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन कैन बी सीरियस एंड कॉज वाइड स्प्रेड आउटब्रेक्स एंड डिजीज। टाइप ए एंड टाइप बी इन्फ्लुएंजा आर द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ दिस इन्फेक्शन रूटीनली कॉज सीजनल आउटब्रेक्स। टाइप सी इन्फ्लुएंजा यूजुअली ओनली कॉज माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। टाइप बी इन्फ्लुएंजा कैन बी जस्ट एज सीवियर एज टाइप ए इन्फ्लुएंजा बट इज लेस कॉमन थ्रू आउट द फ्लू सीजन कंपेयर टू टाइप ए। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा के कितने टाइप है? टाइप ए टाइप बी एंड टाइप सी, जिसमें कि ए और बी जो है कॉमन होते हैं इन्फेक्शन, और जो हमारा टाइप सी होता है वो माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए कॉज होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच एंटीवायरल ड्रग इज इफेक्टिव अगेंस्ट राइनो वायरस। ऑप्शन नंबर ए एमनेंटाटाइडिन, ऑप्शन नंबर बी एसिडोथाइमिडीन, ऑप्शन नंबर सी एनवायरोक्सीन या फिर ऑप्शन नंबर डी डिडियोक्सीसिस्टोसिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है एनवायरोक्सीन जो है ये एंटीवायरल ड्रग है जो कि राइनो वायरस के लिए इफेक्टिव होता है। राइनो वायरस इज द लीडिंग कॉज ऑफ कॉमन कोल्ड। तो दोस्तों जो हमको कॉमन कोल्ड होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है राइनो वायरस की वजह से। योर कोल्ड में बिगिन विद अ रनी नोज सोर थ्रॉट एंड स्नीजिंग। यू मे देन स्टार्ट टू एक्सपीरियंस माइल्ड फीवर अ लॉस ऑफ एपेटाइट हेडेक्स कफिंग ईयर इन्फेक्शंस इन्फेक्शंस ऑफ द साइनसेस एंड एचिंग मसल्स। तो दोस्तों ये सारे सिम्टम्स जो है राइनो वायरस की वजह से आपको देखने को मिलेंगे कब? जब आपको कॉमन कोल्ड होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप अपना रिएक्शन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपसे यहाँ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएफ का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया है, उसकी डेट जो है जल्द ही बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।